हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे। अब देखिए फ्रंट साइड की तरफ से जो फंदा उल्टा आया है वो बैक साइड से सीधा आ जाएगा, धागा अपनी साइड। फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जो दो फंदे सीधे हैं ये बैक साइड से उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। ये देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। बॉर्डर बनाने के बाद जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही दो रो बना के कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद देखिए जो हमारी थर्ड रो आएगी वो पैटर्न की स्टार्टिंग रो होगी। तो देखिए ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दो फंदों में पैटर्न आएगा। तो देखिए एक फंदा उल्टा बुना। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस है तो यहाँ पे देखिए एक दो, ऐसे दो फंदे करेंगे, फिर देखिए ये तीन, ये जो धागे हैं एक दो तीन, तो देखिए ये तीन धागे छोड़ने के बाद जो होल दिखाई देगा इस होल में हमने सिलाई डालनी है और यहाँ पर एक फंदा बना लेना है। ये देखिए ये एक फंदा बनाया, दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे बुने। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस है ये देखिए यहाँ पे देखिए एक दो और तीन, ये तीन धागे छोड़ने हैं और जो ये होल दिखाई दे रहा इस होल में हमने यहाँ पे सिलाई डालनी है और एक फंदा बना लेना है। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए नेक्स्ट हमने एक फंदा बना लेना है। तो देखिए जो स्पेस है ये खाली जगह, देखिए यहाँ पे देखिए एक ये दो और ये तीन, ये तीन धागा छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे ये होल दिखाई दे रहा, इस होल में हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने एक फंदा बना लेना है, एक दो और तीन, ये तीन धागा छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पे एक फंदा बनेगा, तो देखिए एक दो और तीन, ऐसे धागे छोड़ेंगे फिर यहाँ पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए फिर दो फंदे सीधे, फिर हमने एक फंदा बना लेना है, ऐसे धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा बनेगा, धागा अपनी साइड,
एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए जो हमने शुरू में दो रो बनाई हैं उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, जो फ्रंट साइड से उल्टा आया है वो बैक साइड से सीधा, धागा अपनी साइड। अब देखिए ये फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जो एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। और देखिए जो दो फंदे हमने सीधे बुने हैं फ्रंट साइड की तरफ से, इन दो फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए दो का एक करेंगे। फिर देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको बिना बुने उतारेंगे। और देखिए फ्रंट साइड की तरफ से जो दो फंदे सीधे हैं वो बैक साइड से दो का एक कर लेना है। फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा देखिए ये एक्स्ट्रा वाला बिना बुने उतारेंगे। नेक्स्ट हमने दो का एक कर लेना है, नेक्स्ट फंदा हमने जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है। फिर देखिए दो का एक करेंगे और फिर नेक्स्ट फंदा जो एक्स्ट्रा है बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से हमारी पैटर्न की सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। देखिए नेक्स्ट हमारे पैटर्न के फंदे आ जाते हैं। तो देखिए जो सेंटर का फंदा है इसको हमने बैक साइड से बुनना है, ऐसे इस फंदे को बुन लेंगे, ये बुन दिया। फिर देखिए इन तीनों को एक साथ बुनेंगे, तो देखिए सीधी साइड से ऐसे में तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए ये तीन फंदे हैं, एक दो और तीन, ये तीन का एक कर लेना है, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। फिर देखिए सेंटर वाला फंदा पहले बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो सीधी साइड से हमने सिलाई डालनी है और तीन फंदों को एक साथ बुनना है। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पैटर्न के फंदे आ जाते हैं। तो जो सेंटर का फंदा है इसको हम पहले बुनेंगे, फिर देखिए आगे की साइड से तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये तीन का एक कर लेना है। ये देखिए तीन फंदे हैं, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पैटर्न के फंदे आ जाते हैं। तो देखिए ये जो सेंटर का फंदा है इसको हमने पहले बुनना है, फिर देखिए नेक्स्ट इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये तीन का एक कर लेना है, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड। ये पैटर्न वाले फंदे बैक साइड से उल्टे आएंगे। ये देखिए ये दो फंदे उल्टे बुन दिए, धागा पीछे, जो फ्रंट साइड से उल्टा फंदा है बैक साइड से सीधा, धागा अपनी साइड। पैटर्न वाले फंदे बैक साइड से उल्टे आ जाएंगे, दो फंदे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। देखिए बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखिए रिपीट रो,
पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बना लेना है। तो देखिए एक दो और तीन, ये तीन धागे छोड़ने हैं, एक दो और तीन, फिर इस होल में यहाँ पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा बना, दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पे हम एक फंदा बना लेंगे, एक दो और ये तीन, तो यहाँ पे होल है, इस होल में सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक दो और तीन, फिर इस होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर देखिए दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, एक दो और ये तीन, फिर यहाँ पे देखिए एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।